वेलकम टू द लव रिएक्शन और मैं हूँ आपके साथ अवक। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा जी, तो गला बहुत ख़राब है बहुत दिनों से। ऑनेस्टली आवाज़ ऐसे बिल्कुल चेंज हुई पड़ी है, ऊपर से आप लोग की वजह से थोड़ा लाउड भी बोलना पड़ता तो वो तो टोटली चेंज हुई पड़ गया मेरी आवाज़। तो जी आज तो ना किसी की रिक्वेस्ट पे और ना ही किसी कमेंट को पढ़ के ये मैं अपनी दिली चाहत से बना रही हूँ। जब से मैंने ये केस पढ़ा है मैं बहुत दुख में थी। मैंने इवन बहुत सारी दुआएं की कि यार प्लीज़ हमें ये लोग मिल जाए। बहुत सारी टीम आई, बहुत लोगों ने देखा, रेस्क्यू टीम्स ने देखा, पर इन दी एंड अब तक ये लोग मिसिंग है और हमें ये लोग अब तक नहीं मिल पाए। तो जी आपके साथ हम देखने जा रहे हैं पहाड़ों की कसम बाय अली जफर, ट्रिब्यूट टू अली सतपारा। लेट्स सी इट। तीन बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है। अचानक मेरा जो है जिस्म में एक झटका सा महसूस होता है और मैं अपने आप को कहता हूँ कि यार अली तुम की रख रहा, उस वक्त मेरा सेंस वो वापस आ जाता है। मेरे वास्ते हमको घायल कर गया थे
पहाड़ों की कसम, हम चले आओ पहाड़ों की कसम, रोज तुम्हारी रात देखेंगे सनम, चले आओ पहाड़ों की कसम, चले आओ पहाड़ों की कसम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब हम क्या कहें इनके बारे में। इन्होंने दुनिया की इतनी सारी चोटियाँ फतह की हैं, हमारे लिए ये फ़ख्र है, हमारे लिए ये एजाज़ है। लेकिन अब ये समझ नहीं आता कि इनके लिए क्या कहें, कि है या थे, क्या मतलब क्या वर्ड यूज़ करें। सीरियसली जब मैंने देखा ना ट्रिब्यूट, मैंने कहा कि नहीं, मैंने अकेले नहीं देखना, मैं इसको ज़रूर शूट करूँगी। और जैसे जैसे मैं देख रही थी ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे मुझे। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी दुखी हूँ। जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा था ना करा करम का ताजमहल, तो तब से मुझे पता था यार कि ये खूनी पहाड़ है। पर मुझे खुद पहाड़ बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है पहाड़ों पे जाना, वहाँ घूमना, वहाँ के लोग, वहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो जो लोग वहाँ रहते हैं और जो ये करते हैं, तो उनकी तो ये एक तरह से उनके लिए ऐसे नहीं है जैसे हम लोग बैठे बैठे। मैंने बहुत सारे मतलब कमेंट्स पढ़े कि इतने ऐसे मौसम में जाने की क्या ज़रूरत थी, ये करने की क्या ज़रूरत थी। उनका ये काम है, उनको ये पसंद है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पसंद है, हमें पता है ये हमारे लिए सही नहीं, पर हम करते हैं। तो उन्होंने वहाँ जाके झंडा लहराया, ये हमारे लिए एहसास की बात है। जो लोग गलत बातें कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये बिल्कुल, ये आप लोग बिल्कुल मतलब ठीक बात नहीं कर रहे। मैं इसके साथ नहीं एग्री करती ना। जब हमने देखा, बहुत दुआएं की, वाकई बहुत दुआएं की कि अल्लाह पाक ये लोग मिल जाए, ये लोग जहाँ भी हो सही हो। लेकिन जब उनके बेटे का एक इंटरव्यू आया था ना कि मतलब अब उनकी बॉडी ढूंढी जाए, वो टाइम बहुत शॉकिंग था, बहुत रोना आया उस टाइम पे, बहुत दुख हुआ। और इवन मैंने जब अभी भी ये सुना ना, तो मुझे रोना आ रहा था, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ। और जो एंड पे ये वीडियो है ना, दिस इज़ सो गुड। आप सब भी दुआ करें। Yes, yeah, that girl, Toasty, got famous. You heard him or not, Toasty? Now, Rusty has Easter. People are in Lenko Stank, Ganga. Now, that Lenko is in the next moment. Now, they were like, spela med okkur, snjónum var djúpur og svo var blá ís undir snjónum sem að þýtti að það var rosalega erfitt að blóta sig. Do like, share, comment and please kuch achhi videos bataye, suggest kare jis pe main video bana sakun. और विंटर्स की आप बात करते हैं, तो मतलब ये मेरा एक शौक था कि विंटर्स में क्लाइंबिंग करें, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट लिया था उस वक़्त पाकिस्तान में। हमारे 5 माउंटेन हैं अबाउ 8000, जिसमें सबसे पहले K2, उसके बाद जो है नंगा पर्वत, अच्छा ब्रॉड पीक G1 G2। तो कोई भी माउंटेन उस वक़्त विंटर में सबमिट नहीं हुआ था। तो 2006 में फर्स्ट टाइम मैंने 8000 की G2, फिर 2008 में समर में मैंने नंगा पर्वत किया। तो उसी 2008 में मुझे ऑफर आई कि आप विंटर में हमारे साथ क्लाइंब करें किसी पोलिश टीम ने। तो मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह मैं को कोशिश करूँगा।